हमारा सीज़न वन शूट हुआ था ये, और उसके दो पार्ट्स हुए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट था, तो दे वॉन्टेड टू ब्रेक इट अप. सो अभी हमारा पार्ट वन आया है सीज़न वन का, अब पार्ट टू आना बाकी है सीज़न वन का. सीज़न टू थोड़े दिन बाद शूट होगा. बहुत अच्छा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रकाश झा सर के साथ काम करने का मौका मिला, एंड माई मेन रीज़न ऑफ एसोसिएटिंग विद आश्रम वॉज दैट कि मुझे प्रकाश सर के साथ काम करना था. ग्रोन अप वॉचिंग हिज मूवीज, एंड जिस तरह से वो पॉलिटिकल और सोशियो एलिमेंट्स पे बात करते हैं और वो मुद्दे उठाते हैं वाइल बींग नॉन जजमेंटल एंड ऑल्सो वाइल बींग एंटरटेनिंग, वो उनकी बहुत ही बड़ी खासियत है. एंड आश्रम के साथ भी उन्होंने वैसा ही किया है कि उन्होंने एक बहुत ही पोटेंट मुद्दे पे बात करी है जो पहले कभी शायद इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था. हमारे समाज में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कई लोग अंधविश्वास में पढ़ के परेशान होते हैं, अपने परिवार की भी खामी करते हैं, लेकिन उस पर कभी इस तरह से आई थिंक चर्चा नहीं हुई है सिनेमा में. सो ही इज़ येट अगेन टॉक्ड अबाउट समथिंग एक्सट्रीमली क्रूशियल, और मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया. लाइक मैंने बहुत कुछ सीखा सर से, एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. जी जी. जैसा कि आपने अंधविश्वास की बात की जी, वो हम कहीं ना कहीं देखते हैं हमारी सोसाइटी में तो ऐसे बहुत है, उसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, आप हैं, बॉबी देओल जी हैं, त्रिदा चौधरी और भी कई सारे स्टार कास्ट है, तो कैसा रहा? और प्रकाश जी जो कि ये उनकी पहली वेब सीरीज है, फिल्मी दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म जी वेब सीरीज की दुनिया में पहली, एंड कैसा रहा ओवरऑल ये एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एज आई सेड, फर्स्ट ऑफ़ ऑल प्रकाश सर, मुझे उनसे डर लगता था शुरू में, बिकॉज मुझे हरदम से लगता था कि ही मस्ट हैव अ टेम्पर, बट ही वॉज सो चिल्ड आउट ऑन सेट. एंड जैसे आपने अभी कहा कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज वेंचरिंग इन टू वेब सीरीज़, तो उनके लिए दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग 5 films. और आश्रम एक बहुत ही बड़े स्केल पर बनी है, काफ़ी इंटेंस है, बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारे कैरेक्टर्स एज यू सेड, एंड प्राइमरी कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे ट्रैक्स चल रहे हैं एक साथ. तो भी सर की एनर्जी लेवल्स हरदम 200-500% होती थी. आई थिंक वो दिन में 4 घंटे ही सोते होंगे, बिकॉज वो हमारे साथ 12 घंटे शूट करते थे, फिर ट्रैवलिंग, फिर एडिटिंग और राइटिंग पे भी बैठना, फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करवाना. बट ही वॉज ऑलवेज मोर एनर्जाइज एंड एक्साइटेड देन वी वर, एंड दिस इंटायर शूट मस्ट हैव कैरीड ऑन फॉर 5 months. बट ये मैं कह सकती हूँ जो बहुत ही खास बात थी आश्रम के सेट की, कि हर एक आदमी हरदम हैप्पी होता था उस सेट पे. लाइक थ्रू आउट द शूट एवरीवन वाज कॉन्स्टेंटली हैप्पी. एंड अनदर ग्रेट थिंग अबाउट इट वाज दैट जो भी कैरेक्टर्स हैं आश्रम के, जो भी एक्टर्स हैं, बहुत उम्दा एक्टर्स हैं सबके सब, एंड उन किसी में भी कोई बनावटीपना, कोई कोई भी तरह का प्राइड या एक दूसरे से एक सेंस ऑफ डिस्पैरिटी, ऐसा कुछ नहीं था. We were all on the same page. काफ़ी सारे लोगों से तो मैं फर्स्ट टाइम मिली थी ड्यूरिंग आर आर सेशन. सो प्रकाश जी है, एंड कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने देखा उनकी पहली ये वेब सीरीज थी और जिस तरह से लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, सो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग. आई थिंक वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ व्हाइल बीइंग एन एक्टर. सो जैसे आपने कहा सर की पहली वेब सीरीज़ है, आश्रम में सच अ सीरीज़ जो बहुत ही बड़े स्केल पे बनाई गई है, बहुत डिटेल्ड है, और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स उनके जो ग्राफ्स हैं वो पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक शूटिंग 5 films टुगेदर. एंड प्रकाश सर जबकि पहली बार वेब सीरीज़ में वेंचर कर रहे थे, हिज एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट इट मस्ट बी अराउंड 4-5 months ऑफ शूट, हिज एनर्जी लेवल्स वर थ्रू आउट 200-500% एवरी डे. I think he used to barely sleep for some 4 hours a day. And this was the unique quality about Ashram, that everyone on set for those 5 months, from obviously the director, the ADs, actors, the crew at large, even the spot boys, everyone used to be happy completely all through. And jabki bahut hi intense shoot tha ye. And I learned so much from him, as I said. Plus, the amazing thing is that whenever I see Prakash sir, I'm always happy. Like unko dekhte se hi main ekdam khil utti thi, and I used to completely start smiling and laughing because he's so fun to work with. He's constantly cracking jokes, making light of the situation, and very accommodating, and he would make everyone on set feel very comfortable.
प्लस आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ कैरेक्टर, हाउ टू लुक एट नुआंसेस विदाउट रियली कॉम्प्लिकेटिंग एनीथिंग. एंड वेब सीरीज में हम देखें तो बॉबी देओल जी हैं, एंड जितना उन्हें एक जिस तरह से ढोंगी बाबा दिखाया गया है, लेकिन मैंने सुना है कि रियल लाइफ में वो ऐसे नहीं है. बहुत सिंपल है. कैसा तो बॉबी सर के साथ मेरा एक भी सीन नहीं था. आई इन फैक्ट मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग आवर सक्सेस पार्टी, विच इज लाइक अ स्मॉल गेट टुगेदर वी केप्ट आफ्टर द लॉन्च, एंड बिकॉज इट हैड डन सो वेल. एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम. वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. एंड मैं हरदम सुनती थी, बिकॉज जब भी बॉबी सर होते थे और काफ़ी सारी कास्ट होती थी, वो हरदम साथ में थ्रू आउट चिल करते थे. मतलब हर दिन उनका एक वो कार्यक्रम होता ही था साथ में बैठ के चिल करने का. आई यूज टू हियर दो स्टोरीज. बट इट्स सच एन अमेजिंग कास्ट, एंड बॉबी सर इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, सिंपल, ह्यूमरस, एंड आई थिंक लाइक अ गुड सोल. आई थिंक दैट्स वाई दिस कैरेक्टर इज वर्क्ड सो वेल फॉर हिम, बिकॉज द कैरेक्टर इज नेगेटिव, बट हिम बींग अ वेरी पायस सोल वर्क्स सो ब्यूटिफुली फॉर इट. एंड आई थिंक ही इज डन अ फैब जॉब. वेरी लाइक अनयूजल कास्टिंग, यू नो, एंड इट हैज़ वर्कड वंडर्स. सो या, एंड द रेस्ट ऑफ द कास्ट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब एक से एक अच्छे उमदा यू नो एक्टर्स हैं. और जब मैं उनसे सब आती थी, आई थिंक हाफ ऑफ द एक्टर्स आई मेट अगेन ऑन द डे ऑफ यू नो द सक्सेस पार्टी. मैंने ज़्यादातर सीन्स करे थे दर्शन के साथ और विक्रम के साथ, और मे बी कभी राजीव था और साथ में कनुप्रिया थी, बट मोस्टली दीज 4-5 कैरेक्टर्स. एंड तुषार, अदिति, त्रिधा एंड मैनी अदर्स आई मेट प्राइमेरली. चंदन ऑल्सो, चंदन आई नो फ्रॉम बिफोर, बट आई मेट हिम मेट ऑल ऑफ देम प्राइमेरली ऑन दैट सक्सेस पार्टी. एंड देन वी हैड जूम कॉल्स एंड जस्ट यू नो टॉक्स वंस इन अ व्हाइल. सच अ चिल्ड आउट कास्ट, एंड एवरीबडी इज एट द सेम पेज. देयर वाज सो मच लव इन द रूम, सो मच अप्रिसिएशन एंड जस्ट हार्मनी. एंड 8-9 कैरेक्टर्स में जो इक्वल कैरेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट, उनमें ये इस तरह की हारमोनी होना ना बहुत एक बहुत अलग बात है. डजंट हैपन, बट देर वॉज सो मच हारमोनी एंड लव एंड सिंप्लिसिटी एंड जस्ट प्योर पैशन ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग समथिंग इन दैट वन रूम दैट टाइम. आई जस्ट फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ बींग अ पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सीरीज. और एक चीज अनुप्रिया जी, जो मुझे भी नहीं पता, आपसे जानना चाहेंगे, शूटिंग के टाइम पे जी, आई डोंट नो उस कब ये शूट कब हुई, ये तो मुझे नहीं पता. ये मुझे पता है कि अयोध्या में शूटिंग हुई है, लेकिन शूटिंग के टाइम पे क्या कोरोना इस ऐसे हमारी सोसाइटी में था या उस समय? ये एक्चुअली मोस्टली शूट हुई थी बिटवीन नवंबर 2019 टू अबाउट फरवरी 2020. तो करोना हिट करने के, मतलब करोना की शायद बातचीत चालू हो गई होगी, बट हम लोगों को उसके बारे में कुछ इतना आभास नहीं था. एंड उसके पहले ही बस हमारा सारा शूट ख़त्म हुआ था. थोड़ा सा पैचवर्क हुआ है इन दिनों, लाइक मे बी 3-4 दिन का पैचवर्क वंस इन अ वाइल सिंस जून टू नाउ, बट बहुत कम. और वो भी सर ने बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट किया, तो काफ़ी मतलब कोई रिस्क नहीं थी पर से. ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. एंड जैसा कि स्टार्टिंग में आपने बात की कि हमारी दुनिया में ऐसे, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे दिल से अंधविश्वासी होते हैं और ऐसे दिल से तुरंत आंख बंद करके वो किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं. ऐसे लोगों जिसके ऊपर ये फिल्म है, सीरीज है, ऐसे लोगों के लिए अनुप्रिया क्या कहेंगी, जो ऐसे एक भक्ति एक अलग चीज है, श्रद्धा एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर ऐसे अंधविश्वास होते हैं? वो ये है ना कि आपकी आस्था एक कमज़ोरी नहीं बन सकती. वो उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए एज एन इंडिविजुअल. आस्था होना एक बात है, लेकिन आप अपना खुद का सोच समझ वो सब त्याग दें आस्था के पीछे, दैट डजंट मेक सेंस टू मी. एंड आई सीन इट इन माई ओन फैमिली. लाइक आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, एंड वहाँ बहुत नॉर्मल माना जाता है कि कोई साधु या बाबा हो, आपके गुरु हो, जिनको आप बहुत मानते हो और पूरी श्रद्धा के साथ आप उनको फॉलो करते हो. मतलब कि शादियाँ या इस तरह के बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो आपकी तरफ से ले सकते हैं और आप मानते हैं क्योंकि आपके गुरु ने कहा है, विच इज़ ओके. बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग अवेयर, यू नो. सही गलत की पहचान तो नहीं छोड़ सकते आप. अगर आपके गुरु आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं या आपका आपको गलत चीज़ करने को बोल रहे हैं या यू नो ऐसी कोई चीज़ जो और किसी के लिए या आपके आपके लिए हानिकारक हो, तो उतना तो समझ में आना ही चाहिए. और अगर
जहाँ कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है कि आपकी जो जो गुरु या जो बाबा होते हैं जिनको आप मानते हैं कई लोग, उनके अगेंस्ट काफ़ी सारी बातें हो रही होती हैं आसपास, क्योंकि ऐसे वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं, कुछ कोई ना कोई तो अफवाहें होती हैं, लेकिन हम उनको अफवाह मान लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि अगर कोई बात हो रही तो उसके पीछे कुछ सच्चाई भी हो सकती है, और एक अवेयर होना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन को ही सारी शक्ति दे रहे हैं, वो हैं तो एक ह्यूमन बीइंग ना, उनको आपने फुल पावर दे दी इतने सारे लोगों की लाइफ की, तो वो फितरत बदलते हुए टाइम नहीं लगता, विच इज़ वेरी ह्यूमन। तो अपनी इंडिविजुअलिटी रखना बहुत ज़रूरी है वाइल बीइंग स्पिरिचुअल, यू नो, स्पिरिचुअलिटी आपको एक अच्छा आदमी बनाए, लोगों के बारे में सोचने पे यू नो आपको मजबूर करे, या फिर अवेयर बनाए, कंपैशनेट बनाए, वो ज़रूरी है। खाली एक अंधविश्वास में आप किसी एक इंसान को फॉलो करो, दैट डजंट मेक सेंस। जी जी, एंड जो लोग अनुप्रिया जी, जो लोग इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो चले जाते हैं, लाइक जैसे अनुरीता की हम बात करें, जो झाड़ू पोछा लगाती है, उन्हें वहाँ से सारी सारी चीजें उन्हें पता है, उन्हें वहाँ से निकलना है। अदिति की बात करें, जो अभी तो वो बहुत बिलीव करे, हो सकता पार्ट टू में हमने हमें देखने को मिला, तो जो लोगों को पता चल जाता है कि अरे यहाँ से तो हमें अब हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, तो उसके लिए कुछ, क्योंकि आपने ये सीरीज की इसलिए ये सवाल मैं पूछा, वो हमारी सीरीज में शायद निकल कर आएगा। आई थिंक द ओनली वे अगेन इज बिकॉज, एक तो वहाँ तक पहुँचने से पहले कोशिश करनी चाहिए, एज आई सेड, कि उतनी आप पावर किसी को दे ही नहीं कि उनका इतना बड़ा नेक्सस बन जाए कि उसको ख़त्म करना मुश्किल हो या उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो। एट द सेम पॉइंट इन टाइम द ओनली वे इज़ क्रिएटिंग दिस अवेयरनेस। आज एक आश्रम भी इसीलिए बनाई गई है कि लोगों को ये बात समझ में आए, जो लोग इस एंटरटेनमेंट, बिकॉज एंटरटेनमेंट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ क्रिएटिंग चेंज और सोशल अवेयरनेस, एंड दैट्स आई रिस्पेक्ट प्रकाश सर सो मच, क्योंकि वो हरदम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेके चलते हैं। तो आश्रम का बनाने का मुद्दा ही ये है कि जो लोग उस तरह के इन्वायरमेंट हैं या उनके जान पहचान वाले उस तरह के इन्वायरमेंट हैं, वो थोड़े कॉन्शियस हों कि ये प्रैक्टिसेस होती हैं, और अगर उनके आसपास हो रही हैं तो शायद उनको बिलीफ ज़्यादा हो या उससे निकलने की एक इंस्पिरेशन मिले। देर आर ओनली कपल ऑफ वेज, वन इज़ यूनिटी, अगर जो सारे लोग हैं, जो भक्त हैं, वो साथ में मिल जाएं, सही को सही समझें, गलत को गलत समझें, और फिर एक दूसरे का साथ देके उस पावर को ओवरटर्न करें, लीगल सिस्टम वो बाहर निकले, हमारे पॉलिटिशियंस, जो सबका एक नेक्सस जो बन जाता है, अगर वो जब टूट के सही दिशा में जाने की कोशिश करेगा, तभी लोगों का भला हो सकेगा। वो तो है। एंड पर्सनली मैं अगर आपकी बात करूं, जिस तरह से आप बैक टू बैक आप काम कर रही हैं, हमने आपकी ढेरों सारी सीरीज देख रहे हैं, हम इन दिनों आश्रम देख ही रहे हैं, ट्रिपल जस्टिस हमने देखा, असुर देखा जी, और भी कई सारी हैं, और ये बातें बाद में करेंगे, लेकिन आप पहले ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर का जो किरदार है, आप ऐसा मानती हैं कि आपके ऊपर सबसे फिट बैठता है? सलमान खान की फिल्मों में हमने देखा आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, यहाँ हम देख रहे हैं आप एक डॉक्टर हैं जो नहीं, आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर का किरदार सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। आई थिंक क्योंकि मैंने क्रिमिनल जस्टिस में लॉयर प्ले किया है, फाइनल कॉल में आई एम एन एयर होस्टेस, वॉर में आई एम एन एजेंट, पद्मावत में आई एम अ रानी, सो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आई डोंट फील दैट डॉक्टर का किरदार बहुत बैठता है। आई पिक अप एनीथिंग दैट एक्साइट्स मी, यू नो, एज अ रोल, और रोल की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। आश्रम में मेरे किरदार की मुझे खासियत ये लगती थी कि इवन दो शी इज़ अगैन अ बोल्ड कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, हु इज़ सराउंडेड इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस, और काफ़ी सारा हलचल है क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द नेक्सस एंड यू नो अनकवर द ट्रूथ, देर इज़ अ सेंस ऑफ स्प्राइटीनेस इन हर कैरेक्टर। उसके कैरेक्टर में एक इम्पल्सिवनेस है, एक थोड़ा सा चुलबुलापन है, ज़्यादा ओपिनिएटेड है, तो वो मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि दोनों चीज़ों को साथ में रख के मुझे चलना था। तो जहाँ भी ये थोड़े लेड कैरेक्टर्स होते हैं और जहाँ एक डुअलिटी होती है कैरेक्टर में, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। एंड जैसा कि हमने आपकी बात की, बैक टू बैक आप काम कर रही हैं, फिल्में भी हिट पे हिट दे रहे हैं, सीरीज भी हिट पे हिट दे रहे हैं, असुर मैं खाली नहीं दे रही हूँ, पूरी टीम है जो दे रही है। तो
आप ऐसा मानते हैं कि ये जो ऐसा टाइम चल रहा है आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, आपकी सारी फिल्में या सीरीज हिट हो रही है? मुझे दैट दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर, एंड आई होप ये चलता रहे. यस आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दैट कि जो भी मैंने मेजर काम किया है इधर में वो सब अपने चैनल्स के लिए, वो मूवीज़ बहुत यू नो दे हैव बीन वेरी 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 सक्सेसफुल, एंड दोज वेब सीरीज़ हैव ऑल्सो बीन लाइक फ्लैगशिप शोज़ फॉर द वेरियस चैनल्स, बी एट असुर, बी एट क्रिमिनल जस्टिस और आश्रम और इवन फाइनल कॉल डिड वेरी वेल फॉर Z5, सो सीक्रेट गेम्स. सो या दैट इज़ डेफिनेटली देयर, बट आई फील ब्लेस्ड कि मुझे उससे ज़्यादा खास बात यह है कि तो ऑडियंसेस प्यार दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, वी आर वॉट वी आर बिकॉज ऑफ देम, एंड कॉन्सेप्ट पसंद कर रहे हैं. तो आई जस्ट फील कि हाँ मैं सही लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, सही कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हूँ, और इसके ज़रिए मुझे बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स और यू नो क्रू के साथ काम करने का मौका मिला है, विच आई एम वेरी थैंकफुल फॉर. एंड हम देखा कि सीजन वन तो आ चुका है जी, लास्ट एपिसोड में पार्ट टू की बातें हो रही जी, कुछ एक आई थिंक शूटिंग साथ डन हो चुकी है या कुछ. सो बेसिकली हमारा सीजन वन शूट हुआ था ये, और उसके दो पार्ट्स हुए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट था, तो दे वॉन्टेड टू ब्रेक इट अप. सो अभी हमारा पार्ट वन आया है सीजन वन का, अब पार्ट टू आना बाकी है सीजन वन का. सीजन टू थोड़े दिन बाद शूट होगा. मुझे कई बार लोगों ने रोका है और पूछा है कि कब आ रहा है, देयर हैज बीन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. सो आई डोंट नो फॉर श्योर, बट आई थिंक एक दो महीने में तो आ जाना चाहिए. आई थिंक सो. आपको कितना बेसब्री से इंतजार है, जैसा कि आपको काफी ज्यादा मैं रोका है कि कब तक आ रही है ये. तो मैं उससे ज्यादा खुद भी एज एन ऑडियंस भी देखना चाहती हूँ, बिकॉज एज आई सेड ना इतने सारे ट्रैक्स हैं, स्टोरी पता है, लेकिन फिर भी आपको एक देखने का वो तो होता है ना इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी कि कैसे निकल कर आया है. तो एज एन ऑडियंस आश्रम इज़ वन ऑफ दो सीरीज जो मैं खुद भी दो बार कंज्यूम कर सकती हूँ.